समअप करे तो हमारे दो तीन पेज के जो चार्ट बनाए हैं अपन ने बस में समअप हो जाएगा बड़े आराम से। अरे एवरीवन ऐसे 200 सबसे पहले तो नाम हम लोग ने डिवाइड किया दो पार्ट में, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड एवरीवन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डिंग विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। लेफ्ट वाला पार्ट पूरा का पूरा क्या है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू ऑब्टेन अ रीजनेबल अश्योरेंस, इज टू ऑब्टेन अ रीजनेबल अश्योरेंस दैट स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम एरर, देयर बाय इनेबलिंग द ऑडिटर टू अराइव एट अ कंक्लूजन दैट द फाइनेंशियल एज टू व्हेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल एंड टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन इन द ऑडिट रिपोर्ट टू द मेंबर। इसके अंदर वो चीज आ जाती है कि रीजनेबल अश्योरेंस मिला मतलब एविडेंस मिला होगा तो वो एक कंक्लूजन पे आएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से प्रिपेयर्ड है और वो एक ओपिनियन बना पाएगा और ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में टू द मेंबर्स। लेकिन उसको ऑडिट एविडेंस मिला ही नहीं, व्हाट इफ ही फेल टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, इफ ही फेल्स टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, इफ ही फेल्स टू अचीव हिज एंड क्वालिफाइड ओपिनियन इज नॉट सफिशिएंट, ही शुड ईदर गिव अ डिस्क्लेमर और पूरा लेफ्ट वाला पार्ट हो गया, लेफ्ट वाला पार्ट हो गया। अब राइट में आए तो राइट में था, राइट में क्या है? कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। कैसे करेंगे ऑडिट कंडक्ट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, पर वो क्या बता रहे हैं? सबसे पहले काम कैसे करना है, यहाँ से लेफ्ट वाला पार्ट बता दें कि काम क्या है और राइट वाला पार्ट बता दें कि काम करना कैसे है। तो पहला बोलता है बाय कंप्लाइंग विद एथिकल रिक्वायरमेंट आईओसी बीसी डीसीबी भी, इंटेग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी हो गया, इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी हो गया एंड कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्लाइंट का इंफॉर्मेशन बाहर किसी को डिस्क्लोज, कॉन्फिडेंशियल रखना है। अरे इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? उसके बाद प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में क्या वर्ड याद रखें? He should be qualified and experienced, U plus E. उसके बाद U क्या है मतलब? He should be updated with the latest amendment and he should not be professional behavior. Perfect, professional behavior, same word. Is it very clear everyone? और याद है उसका पूरा structure है, first वाला column में auditor word, last वाला column में while discharging his duties as an auditor, ऐसे करके connect करके पूरा sentence बना दें। First वाले एक example दे रहे थे, ऑडिटर शैल बी इंटीग्रिटी वर्ड लिखा, ऑडिटर शैल बी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड व्हाइल डिस्चार्जिंग। अरे एवरीवन और इसके ऊपर अगर देखें तो हमने काफी सारे क्वेश्चंस देख लिए थे कि वही सिंपल ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, हर आंसर उसी के आगे पीछे रिवॉल्व कर रहे हैं कि यूजर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अरे एवरीवन मान लो उसने बिना सोचे समझे ओपिनियन दे दिया, मतलब उसने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किया, एक लालची भाई वाला कि वो तो भाई पागल ही हो गया, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के एब्सोल्यूट गारंटी दे दिया उसने, नहीं चलेगा। इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? ये सारे क्वेश्चंस भी हो गए। उसके बाद था प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, उसके बाद हम लोग ने क्या किया प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म और इसको हम लोग ने याद कैसे किया था, व्हाट इट इज व्हाट इट इज नॉट, पाइसीज हाउ टू रिमेन अलर्ट एंड व्हाई टू रिमेन अलर्ट। एवरीवन सबसे पहला क्या है? व्हाट इट इज, it is an attitude of being alert towards possible errors in the financial statement. Everyone, it should not be understood as a problem, but it should be taken as a vigilant. ये दो point हो गया. Meaning what it is not. Spicy. First is contradictory evidence. दूसरा conditions indicating possible fraud. तीसरा considering the integrity of the management. Very good. Fourth. Instances of non-compliance of laws and regulations. Fifth, evaluating appropriateness of ongoing concerns of everyone. How to remain alert? By doing critical assessment of audit evidence. Why to remain alert? Isse kya benefit milega? Overall audit will be. Is it very clear, everyone? Next, isme humne bahut sare question dekha. Everyone sab ek jaise hi hai. Kuch examples ke upar hai. वो वॉचडॉग ब्लडहाउंड नया नया टाइम पास करेंगे वो लोग, पर हर कोई हर क्वेश्चन में तुम्हें एक कीवर्ड तो पक्का दिखेगा, दैट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म फुल। एवरीवन नेक्स्ट, उसके बाद पीजे। अरे एवरीवन पीजे में कैसे याद किया था? मीनिंग
PJ is taken out of CAT, knowledge, experience and training in the economic situation. And why PJ is essential for the proper conduct of the audit? Because interpretation of standards, interpretation of ethical requirements and informed decisions throughout the audit cannot be made without the proper application of PJ. Everyone. और कुछ एग्जांपल्स हम अपन आगे आपके पीछे लगते हैं वेदर एन आइटम इज मटेरियल और नॉट इट इज अ मैटर और नेचर आइडेंटिटी और व्हाट इट प्रोसीजर्स उसके बाद वेदर ऑलरेडी एविडेंस ऑब्टेंड इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट इट इज अ मैटर और क्या कम्युनिकेट करना है टीसी व्हाट टू कम्युनिकेट विद टीसी और एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना या नहीं लेना इट इज अ मैटर और लास्ट सब डॉक्यूमेंट करने का चीज़ जो भी जजमेंट लिया अप्रोप्रिएटली डॉक्यूमेंट होना चाहिए पीजे भी हो गया तीन चीजें हो गई उसके बाद इंडिपेंडेंस पे गए थे हम लोग इसके ऊपर गए थे इंडिपेंडेंस पे गए थे अरे एवरीवन इंडिपेंडेंस मतलब जजमेंट ऑफ द ऑडिटर शुड नॉट बी बेस्ड ऑन हिज और इट शुड बी नॉट बी बायस्ड अरे एवरीवन तो इट हैज टू इंटरलिंक पर्सपेक्टिव सबसे पहला इंडिपेंडेंस ऑफ और दूसरा In appearance, independence of mind means what the state of mind that allows the auditor to act with. हाँ वो भी है. It is state of mind that allows auditor to express his opinion, which is free from that allows him to act with integrity, objectivity, and skepticism. Perfect, clear, एकदम मस्त. और उसके बाद Independence of, sorry, in appearance. Well, we should disclose all the significant facts and circumstances. Otherwise, third party could reasonably conclude that his objectivity, integrity, skepticism has been compromised. Therefore, independence should not only exist in facts, but also appear to so exist to all the reasonable. Perfect. Arey, is it very clear? Arey, मतलब independent mind ही नहीं होना चाहिए. अपीयरेंस में भी होना चाहिए एवरीवन इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बहुत बहुत ज्यादा पूछे हैं उसके बाद फोर्थ काम कैसे करना है बाय ऑब्टेनिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑल एविडेंस क्यों ऑब्टेन करना है अपने ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए कहां से लो दो प्राइमरी सोर्स है एक सेकेंडरी सोर्स है प्राइमरी मतलब खुद ऑडिट करो मिलेगा एविडेंस दूसरा लोगों से पूछताछ करके एम्प्लॉय मैनेजमेंट ये सबसे अरे एवरीवन और दोनों इंटर रिलेटेड है क्या सफिशिएंसी अप्रोप्रिएटनेस सफिशिएंसी मतलब क्वांटिटी बाय अप्रोप्रिएटनेस अरे वेरी क्लियर एवरीवन और मैं मुझे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट और ऑडिट एविडेंस मिला या नहीं मिला इट इज अ मैटर ऑफ शॉर्ट टर्म का होगा और लास्ट में लोग बोलते हैं फॉलो ऑल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग याद आ रहा है तो ये पांचों पॉइंट खत्म हो गए इसके अंदर राइट वाले में फिर बाद में आ गए एक अलग सा तो वही वो लोग आर्ग्यू करेंगे कि हमारा जजमेंट है आप थे नहीं वो टाइम पे तो हम लोग भी कुछ बोल नहीं पाएंगे दूसरा नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर अरे ऑडिट में भी कुछ प्रैक्टिकल लीगल लिमिटेशन है समटाइम्स मैनेजमेंट विल नॉट प्रोवाइड अस विद कंप्लीट इंफॉर्मेशन तो क्या झगड़ा करेंगे नहीं नहीं कर सकते अरे एवरीवन और प्रैक्टिकल लिमिटेशन का एक पॉइंट है कि ऑडिटर विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट Sophisticated and carefully designed frauds which are concealed from him. Example. Collusion to falsify documentation. Collusion to falsify documentation. Which will make the auditor to believe that the evidence is original when it is not. Is it very clear, everyone? उसके बाद ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल लीगल वाला एग्जाम पे एक पॉइंट ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू द अलेजेड रॉन्ग डूइंग ऑडिटर हैज नो लीगल पावर टू सर्च अर्ज एक्सेट्रा समझा पक्का उसके बाद इन्विटेशन में प्रेजेंट हो तो एवरी यूजर विल एक्सपेक्ट द ऑडिटर टू कंप्लीट द ऑडिट इन अ रीजनेबल टाइम एंड रीजनेबल
therefore he will resort to test. Again his efforts will be more directed towards. Primarily का तंत्र से उधरी चेक करूँगा ना तब अभी बात बहुत मैटर ऑफ डिफिकल्टी वाला याद रखना कि भी डिफिकल्टी हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वो काम करो नहीं लास्ट में अदर मैटर गर्लफ्रेंड वाले पॉइंट्स याद रहे इन केस ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट मैटर लिमिटेशन ऑफ ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट एमएमएस विल बी सो द असर्शंस आर एज़ फॉलोस जी से पॉइंट 1 फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशन अफेक्टिंग है कि कोई फ्यूचर इवेंट है वो मैनेजमेंट बताएगा ये लोगों को मालूम कैसे पड़ेगा नेक्स्ट आर आर एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस ऑफ आरपी आर मतलब आरपी टीम आरपी आर मतलब रिलेटेड पार्टी आरपी टीम मतलब रिलेटेड पार्टी अब अगर इनको मालूम ही नहीं है इनकी रिलेटेड पार्टी कौन है तो ये क्या ही रिकॉर्ड किए होंगे या फिर इन्होंने रिलेटेड पार्टी में कांड किया है तो ये क्यों बताएंगे और ये छुपाएंगे एवरीवन तो भाई बहुत लिमिटेशन आई है वहां पे एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस ऑफ आरबीआई एंड आरबीडीज अगला अब इन्होंने बहुत सारे नॉन कंप्लायंसेस की इनको शर्म आ रही है बताने में तो इन्होंने बताया नहीं हमको भी सत्ता नहीं है एवरीवन लास्ट वन एम्प्लॉई फ्रॉड है तो मैनेजमेंट हमारी हेल्प कर सकती है डिटेक्ट करने में लेकिन अगर मैनेजमेंट ही कल्प्रिट है तो बहुत मुश्किल है क्योंकि वो एम्प्लॉईज को मिला लेंगे इज इट वेरी क्लियर एवरीवन और इसके ऊपर हम लोग ने काफी सारे पीपीक्यूज भी देख लिए सारे इज इट वेरी क्लियर एवरीवन और हम लोग ने यहाँ पे इम्पोर्टेंट टर्म्स भी देखे थे स्टेटमेंट एमएमएस इज इट वेरी क्लियर एवरीवन एफआरएफ कॉल्ड एज अ प्रोसेस का हायरार्की चार टाइप का ओपिनियन Is it very clear everyone? And with this, we wrap up the rapid revision for SA 200. Thank you so much guys. Bye-bye.